हम स्वयं अपने मठ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान रखते हैं और कभी कभी आपके मठ में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान। जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर जी के जीवन से हमको बड़ा प्रभाव, गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने भी कितनी कुर्बानी दी, उनके बच्चों ने कितनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद सिख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो बलिदान है यही तो हमारी प्रेरणा है और इसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करते हैं। हम सिखों के आगे हमारे मन में सिख समुदाय है उसके लिए अत्यंत श्रद्धा है। सिख धर्म को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम पंजाब जब नहीं आए थे उसके पहले से ही जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर जी के जीवन से हमको बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब उनके ऊपर आक्रमण किए गए और उनको ये कहा गया कि आप इस्लाम अंगीकार कर लो, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, और उनके ऊपर खौलता पानी उड़ेल दिया गया, जाने कितने अत्याचार किए गए, चमड़ी उधड़ गई, बेहोशी छा गई जैसा हमने पढ़ा, और फिर जब होश आया तो कहा गया कि अंतिम मौका है, अभी भी जान बख्श दी जाएगी, अभी भी इस्लाम अंगीकार कर लो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका सिर काट करके फेंक दिया गया। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना है, हम वहाँ बचपन में जाके दर्शन कर चुके हैं। तो हमने जब ये कहानी बचपन में पढ़ी तो हमारे मन में बहुत बड़ा आदर गुरु तेग बहादुर जी के लिए। बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने भी कितनी कुर्बानी दी, उनके बच्चों ने कितनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद सिख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। गाय के संदर्भ में आपके जो कुका नामधारी सिख हैं जी, उन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो बलिदान है यही तो हमारी प्रेरणा है और इसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करते हैं उन सिखों के आगे जिन्होंने डट करके मुकाबला किया और दृढ़ता के साथ अपने धर्म को बनाए रखा। तो हमारे मन में जो सिख समुदाय है उसके लिए अत्यंत श्रद्धा है और हम स्वयं अपने मठ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान रखते हैं और कभी कभी आपके मठ में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है? विराजमान ज्योतिष पीठ में जी। पंजाब ये 5 नदियों का क्षेत्र है और फिर गुरुओं का भी क्षेत्र है और सनातन धर्म के लिए बलिदान देने वालों का एक क्षेत्र है। कभी ऐसा अवसर था, हम लोगों ने इतिहास में जाना समझा है कि लोग धर्मांतरित कराए जा रहे थे, ऐसे समय में इस पंजाब की धरती ने हिंदुओं को बल दिया कि नहीं नहीं अपना धर्म छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, तो वो सब संस्कार भी इतिहास से पढ़ करके हमारे मन में थे, तो हमने सोचा कि हम पंजाब की धरती में जाना चाहेंगे, तो पंजाब आए और पंजाब के लगभग सभी जिलों में